टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, इवेस चौराहा, मेरठ। शहर में लूट की घटनाओं को देखते हुए चलाए गए चेकिंग अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मंगलवार देर रात चेकिंग के दौरान अलग अलग जगह से पुलिस ने 3 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दिलशाद निवासी इस्लामाबाद, आजाद उर्फ पीटर जुवैर जो गोलाबड़ का रहने वाला है, इसके अलावा समर गार्डन निवासी शहील को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिलशाद वह लुटेरा है जिसने ईर्ष्या में जा रही कसेरू खेड़ा की रहने वाली दीपिका से पर्स लूटा था, जबकि शकील और जुबैर ने सोमवार और उससे पहले भी महिलाओं से चैन लूट की वारदात को अंजाम दिया था। दोनों बदमाशों ने पूछताछ में महिलाओं से चैन लूट की वारदात को कबूल कर लिया है। लालकोटी थाना अध्यक्ष नरेश कुमार ने बताया कि पुलिस पहले ही सीसीटीवी फुटेज के जरिए दिलशाद की पहचान कर चुकी थी। कल रात करीब 10 बजे सूचना मिली थी कि दिलशाद होमगार्ड चौराहे की तरफ से गुजर रहा है, जिसके बाद चेकिंग शुरू की गई। जैसे ही दिलशाद चौराहे पर पहुंचा, होमगार्ड ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वह नहीं रुका। पुलिस ने पीछा किया तो उसने पुलिस पर ही फायर कर दिया। वहीं पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में दिलशाद के पैर में गोली लग गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस व बाइक बरामद हुई है। इस मामले में एसपी सिटी पीयूष सिंह ने यह जानकारी दी। 2 दिन पूर्व थाना लालपुरती क्षेत्र अंतर्गत ई रिक्शा पे जा रही एक महिला के साथ एक अपाचे सवार युवक के द्वारा पर्स छीनने की घटना कारित की गई थी। इस घटना के संबंध में थाना लालपुरती पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर दिलशाद नाम के एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया था। आज मुखबिर की सूचना के आधार पर होमगार्ड चौराहे के पास थाना लालपुरती पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान अपाचे बाइक पर आ रहे दिलशाद को जब रोकने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा इस संबंध में की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में दिलशाद के पैर में गोली लगी, जिसे मौके से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से लूटे गए कड़े और कुछ पैसे बरामद हुए हैं। इस संबंध में थाना लालपुरती पुलिस के द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वर्तमान एकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।